जो लोकतंत्र की मर्यादा है और संविधान की जो रूह है उसको सशक्त किया है इस फैसले ने। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिससे जनप्रतिनिधियों के सार्वजनिक जीवन में शुचिता और ईमानदारी को सुनिश्चित किया जा सकेगा। आज सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यों वाली संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अब अगर सांसद या विधायक सदन में रिश्वत लेकर भाषण या वोट देते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सहमति से दिए गए अहम फैसले में सांसदों और विधायकों को ऐसे मामलों में संरक्षण देने से इनकार करते हुए कहा है कि उन्हें इस मामले में किसी तरह की कोई कानूनी छूट नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये कि ऐसे मामलों में उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मत निर्णय में ये स्पष्ट कर दिया है कि सदन के अंदर भी सांसदों के विशेषाधिकार नैतिकता की कसौटी पर परखे जाएंगे, कसे जाएंगे। सिर्फ विशेषाधिकार के नाम पर उनको विशेषाधिकार नहीं मिल सकते। चीफ जस्टिस ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि विधायिका के किसी सदस्य द्वारा किया गया भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देती है। पुराने फैसले को भी ओवर रूल कर दिया जो नरसिम्हा राव केस में फैसला आया था और स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी विधायक अगर पैसा लेके सवाल पूछता है या पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि उसने 26 साल पुराने मामले में अपने ही फैसले को पलट दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के नरसिम्हा राव मामले में दिए गए फैसले को पलट दिया जिसमें 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से तय किया था कि इस मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन अब सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते हैं। मैं मानता हूं कि ये ऐतिहासिक फैसला है, सार्थक फैसला है, संविधान की मर्यादा और लोकतंत्र की मर्यादा को सशक्त करने वाला फैसला है। क्योंकि ये कहना कि विधायक और सांसद अगर पार्लियामेंट या असेंबलीज में करप्शन करते हैं तो उन पर मुकदमा नहीं चल सकता, ये पूरी तरह से गलत फैसला था। इस फैसले को आज दुरुस्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 की व्याख्या करते हुए कहा कि इनसे सांसदों और विधायकों को रिश्वतखोरी की छूट हासिल नहीं होती है। संसदीय सदाचार से जुड़े इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। तो सीता सोरेन वाला मैटर है, इसमें जो 7 जजेज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसने मेन मुद्दा ये था कि जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो हमारे पार्लियामेंटेरियंस को और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन्हें अवेलेबल है कि नहीं है। तो मेन जो संविधान पीठ से मामला निकल के आया, जो पीवी नरसिम्हा राव केस का माइनॉरिटी जजमेंट था, वो एक तरह से अपहेल्ड हुआ है और मेजोरिटी को स्टक डाउन किया गया। 1998 में सुप्रीम कोर्ट का दिया आदेश जीएमएम सांसदों के रिश्वत कांड से जुड़ा हुआ था और आज का दिया हुआ फैसला भी जीएमएम की विधायक सीता सोरेन से जुड़ा हुआ है। सीता सोरेन पर आरोप था कि उन्होंने 2012 के झारखंड राज्यसभा चुनाव में एक खास प्रत्याशी को वोट देने के लिए रिश्वत ली थी, लेकिन जब सोरेन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई तो वो ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी कि उन पर कानूनन इस मामले में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले पर फैसला सुनाते हुए रिश्वत से जुड़े ऐसे किसी भी मामले में सांसदों और विधायकों को संरक्षण देने से इनकार कर दिया। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।